क्विंस केयर क्लिनिक का हुआ उद्घाटन, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड के हाथ। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष तौर पर क्विंस केयर क्लिनिक अस्पताल है ये, कल्याण फाटा दत्त मंदिर से पहले अम्मार मेडोज में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन 15 अगस्त को होना था, मगर गृह निर्माण मंत्री तथा कलवामुरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड के कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते इस उद्घाटन का कार्यक्रम एक दिन पहले ही रखा गया और उसे किया गया। किस तरीके गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने शमीम खान, शकील सिद्दीकी, डॉक्टर आफरीन सौदागर, इनके द्वारा शुरू किए गए इस महिलाओं और बच्चों के विशेष अस्पताल का उद्घाटन किया, देखिए। ये जो पिछले 2 साल से जिस बीमारी से हम पूरी दुनिया गूंज रही है और हम भी लड़ रहे हैं, यहाँ जो
हमारे कंट्री में, हमारे भारत में हेल्थ का जो प्रॉब्लम है सबको पता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, सब में हमें बहुत देखने की ज़रूरत है. और इस बीच अगर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अगर ऐसे कोई हॉस्पिटल आई है तो बहुत ही अच्छी बात है. भगवान करे ऐसे और हॉस्पिटल्स आए जहाँ पे महिलाओं को और बच्चों के लिए गैर लेने वाली चीज़ें, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, ऐसे डॉक्टर्स लेके आए जिससे हम ज़्यादा जान बचा सकें, बच्चों को, आधे किलो बच्चों को भी बचा सकते हैं. यहाँ उन्होंने एक पांडा वार्मर बोल के नाम की चीज़ फर्स्ट इन इंडिया, भारत में, हाँ पूरे देश में पहली ऐसी चीज, एक इक्विपमेंट लेके आए हैं जहाँ पे वो 500 ग्राम के एक बच्चे को बचा सकते हैं. हाईली कमेंडेबल. एक कलाकार संदर्भात एक प्रश्न है, कलाकार रस्त्यावरती कालपासून उतरत आंदोलन करतात, सरकारने शासनाने कोणी त्यांना आम्ही इथे आम्ही ज्या